हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल, चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब से देखिए, ये है 5, 8, 9, 7, 1, 0। ठीक है, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा है, जो सबसे स्मॉल है, उसे हम फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है? तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो हमारा फर्स्ट में आएगा। ओके, फिर ये रहा कॉमा, उसके बाद कौन सा है? नाइन है ना? नाइन तो नहीं है। सेवन है? नहीं। वन है, तो ज़ीरो के बाद वन है स्मॉल नंबर, तो ये आ गया वन हमारा। उसके बाद देखेंगे फाइव है क्या? फाइव, एट, एट नहीं हो सकता, नाइन नहीं हो सकता, फाइव है। ठीक है, तो फाइव है, जीरो वन, आप ऐसे काउंट करके भी देख सकते हैं, जीरो वन टू, टू नहीं है, थ्री, थ्री इसमें नहीं है, फोर, फोर इसमें नहीं है, फाइव, तो फाइव हमारे इसमें है। इसका मतलब फाइव हमारा स्मॉल नंबर हो जाएगा। तो हम काउंट करके देखेंगे, अगर ऐसा सिंगल डिजिट का नंबर जब रहे तो हम काउंट करके देखेंगे। ठीक है, वन टू नाइन तक काउंट करेंगे, जो हमारा पहले आता है वो स्मॉल नंबर रहेगा। ओके, तो स्मॉल नंबर रहेगा तो उसे हम पहले रख देंगे। तो काउंट करने पर जीरो हमारा पहले आता है, तो ज़ीरो फर्स्ट में रखाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जीरो वन, तो वन इसमें है तो वन लिखा गया, वन टू, जैसे अगर हम यहाँ पर, एक मैं चीज़ बता दे रही हूँ, यहाँ पर ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, तो ज़ीरो हमारा आ गया, वन हमारा आ गया, अब टू इसमें नहीं है, थ्री पे आते हैं, थ्री भी इसमें नहीं है, फोर पे आते हैं, फोर भी इसमें नहीं है, फाइव, फाइव है, तो फाइव हमारा पहले लिखाया, जो पहले आएगा वो हमारा स्मॉल नंबर रहेगा। ओके, और जो बाद में आएगा वो बिग नंबर होता जाएगा। फिर सिक्स, सिक्स नहीं है, तो फिर आया सेवन, तो सेवन हमारा इसमें है यहाँ पर, तो सेवन लिखा गया। उसके बाद एट आता है, सेवन के बाद क्या आता है? काउंटिंग करने पर एट आता है, तो एट भी हमारा इस सीरीज में है, तो एट लिखा गया। नाइन भी हमारा है, तो नाइन लिखा गया। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया। ठीक है, तो आप बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, तो बच्चों को आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं कि काउंटिंग करने पर जो सिंगल डिजिट नंबर जब रहे, तो काउंटिंग करने पर जो नंबर हमारा पहले आता है वो हमारा पहले लिखाएगा, वो स्मॉल होगा इसलिए वो पहले लिखाएगा। ठीक है, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर हमारा काउंटिंग में पहले आएगा तो वो स्मॉल होगा, काउंटिंग मुझे पहले आएगा वही दिखाएगा यहाँ पर आगे की ओर। उसी तरह जीरो के बाद वन स्मॉल है, वन आता है यानी वन स्मॉल है, वन के बाद इसमें फाइव है तो वन टू थ्री फोर, फिर फाइव आता है, इसका मतलब फाइव है इसमें, वन के बाद स्मॉल इसमें फाइव है। अगर टू रहता तो टू लिखाता, अगर थ्री रहता तो थ्री लिखाता वन के बाद। अब उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे टू सिक्स एट थ्री नाइन। ओके, अब इसमें भी क्या होगा हमारा? सबसे पहले काउंटिंग जब करते हैं तो क्या आता है? ज़ीरो नहीं है इसमें, वन नहीं है इसमें, टू, तो टू है हमारा, तो टू हमारा हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर आता है थ्री, टू के बाद काउंटिंग करेंगे तो क्या आता है? थ्री, तो थ्री भी है हमारा। फिर आता है फोर, तो फोर इसमें नहीं है। फिर आता है फाइव, तो फाइव भी नहीं है। फिर आता है सिक्स, तो आप बच्चे से ऐसे बोले कि या तो ओरल करके करो या फिर लिख, पहले पहल आप उसे लिख करके आप बताएं, या फिर उस बच्चे को ही आप बोले कि लिखो, काउंटिंग लिखो और उसे आप ऐसे फिर करो कि जो पहले आएगा वो पहले लिखना है। तो थ्री के बाद फिर क्या आता है? फोर, तो फोर नहीं है। फाइव आता है तो फाइव भी नहीं है। सिक्स आता है तो सिक्स है, तो सिक्स लिख दिया। फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन आता है तो सेवन भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो फिर एट आता है तो एट यहाँ है तो एट लिख दिया। फिर नाइन आता है तो नाइन भी है। तो हमारा इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर बन गया। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर सिंगल डिजिट नंबर का।
चलिए अब ये हमारा नंबर है तो इसका हमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकाले, ये टू डिजिट नंबर है ओके, इसमें सिंगल डिजिट नहीं है, टू डिजिट है ओके, सब में टू डिजिट है, 2121151536 36, ये सब टू डिजिट नंबर है। तो इसका कैसे असेंडिंग ऑर्डर करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला नंबर देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर देखेंगे वो कम है या ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाले नंबर में जैसे देखिए, इसमें वन है और इसमें फर्स्ट नंबर टू है, तो जाहिर सी बात है टू है और इसमें वन है, तो वन वाला हमारा कम होगा, यानी 1121 से कम है, मतलब 2121 है तो टू है इसमें, वन से तो ज़्यादा होता है टू, तो निश्चित है कि 21 ज़्यादा ही होगा। तो हम सबसे पहले वन वाला लेकर के चलेंगे, यानी वन वन वन, ठीक है, ये तीनों में हम पहले लेकर के चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो 1515 1818 1111, तो वन जब मिल रहा है हमारा तो हम सेकंड वाले नंबर को देख लेंगे, वन के बाद ये वन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों में यही छोटा होगा, तो 11 हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 15 है और यहाँ 18 है, तो 58 में 5 छोटा है तो 15 लिख लेंगे, फिर 18 लेकर चलेंगे, फिर हमारा क्या आएगा बताइए आप, 1111 हो गया, 1515 हो गया, 1818 हो गया, ये 111 वाला पहले लिख। अब आती बारी टू, क्योंकि वन के बाद आता है टू, तो असेंडिंग ऑर्डर में टू को लेके चलेंगे, तो यहाँ 2121 है और 2525 है ओके, तो 2121 25 से तो कम है ना, तो क्योंकि 2121 काउंटिंग में भी पहले आता है, और जो ये जो नंबर है वन और फाइव, ये वन वाले नंबर में देखेंगे वन और फाइव है, तो वन हमारा कम है, तो 21 हमारा स्मॉल होगा, तो और काउंटिंग में भी 21 पहले आता है, 25 बाद में आता है, तो 21 और फिर 25 लिख देंगे। तो हमने पहले लिख दिया वन को लिख दिया, फिर टू को लिख दिया, अब बचा हमारा थ्री, आ गया हमारा 36 बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे कि टू डिजिट वाले नंबर में हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर आसानी से लिख सके, इसके लिए हमें क्या ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो पहले जो टेंस वाला नंबर है उसे आप पहले देखें, यानी पहले वाला नंबर अगर हम यूँ कहें पहले वाला नंबर पहले देखें, तो पहले वाले नंबर में हमारा वन स्मॉल है, तो हम स्मॉल वाले नंबर को लेके चलेंगे पहले, फिर हमने टू वाले नंबर को लेके चला है, 2121, फिर 2525, तो 2121 2525, फिर थ्री नंबर को लिया है तो 3636 हो गया। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर टू डिजिट के नंबर में देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो सकता है सबसे स्मॉल इसमें कौन सा होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले वाले नंबर को देखेंगे कि ये इसमें सबसे छोटा कौन है, पहले वाला नंबर फोर है, टू फोर है नहीं, टू फोर ज़्यादा है टू से, अब टू से भी कोई कम है तो टू से कम वन है, यानी इसका ये वाला नंबर हम पहले लेकर चलेंगे, तो 1919 लिख दिया, ठीक है। अब अगर 1919 में ही एक और नंबर आता तो हम सेकंड वाला देखते कि सेकंड वाला कम है या छोटा है, उसको देखते, तो 1919 लिख दिया। अब टू को लेके चलेंगे तो 26 हो गया, अब टू के बाद क्या आता हमारा थ्री आता है, तो 3737 हो गया, पहले वाले नंबर को लेकर के चलेंगे, ठीक है, इससे आसानी होगी असेंडिंग ऑर्डर को लिखने में। 37 फिर थ्री के बाद क्या आता है, फोर आता है, देखिए पहला नंबर में देख रही हूँ 4 5, बिना कुछ दिमाग लगाए बस पहला नंबर में देख रही हूँ कि बस पहला नंबर मुझे देखना है, ठीक है, तो 26 37 45, फिर आता है 4 के बाद 5 50 50। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर टू डिजिट वाले नंबर के लिए हमने आपको बताया है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और बच्चे को भी इसी तरह समझाइएगा, और बच्चे भी अगर वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है कि वो अच्छे से समझेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ओके, फिर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उससे आपको प्रेस करना है, और फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।